चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। प्रश्न किया कि जैन धर्म क्या है। प्रश्न क्या है? जैन धर्म क्या है? दो शब्द हैं, जैन और धर्म। पहले इस दोनों शब्दों को समझ लेते हैं, धर्म को बाद में समझेंगे। जैन किसे कहते हैं? चलिए, आप कुछ करीब करीब पहुंच गए हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसे जिन कहते हैं, और जिन के मानने वालों को जैन कहते हैं। आप जैन क्यों हैं? अपने कारण से हैं या किसी और के कारण से हैं? भगवान की वजह से आप जैन हैं। भगवान जिन हैं तो आप जैन हैं, और भगवान जिन नहीं होते तो आप भी जैन नहीं होते। धर्म किसे कहते हैं? सन्मार्ग का रास्ता दिखाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शास्त्र में लिखा है वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। किसे कहते हैं धर्म? वस्तु के स्वभाव को। अब ये वस्तु क्या है? मतलब एक बात बोले तो दूसरा प्रश्न है अपने आप खड़ा हो जाता। वस्तु किसे कहते हैं? छह द्रव्य नौ पदार्थ को वस्तु कहा है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जिसका कभी नाश नहीं होता है वो वस्तु है। जिसका कभी जन्म नहीं होता है वो वस्तु है। आप मेरी भावना में पढ़ते ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये वस्तु स्वरूप क्या है? ये वही है जो मैं बता रही हूँ। मेरी भावना तो ना जाने कितनी बार पढ़ी होगी, मगर वस्तु शब्द का अर्थ नहीं निकाला होगा, और बिना अर्थ निकाले भाव बनने वाले नहीं हैं। तोता बोलता है ना राम 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 राम, है ना? उसको नहीं पता राम कौन है। तुमने कहा राम तो उसने कह दिया राम, और राम को जानता नहीं है। ऐसे केवल शब्दों को पढ़ना बिना अर्थ के, बिना भाव के शब्दों को पढ़ना तोते जैसे पढ़ने के समान ही है। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा गए। वस्तु स्वरूप यानी द्रव्य के स्वरूप को, तत्व के स्वरूप को, नौ पदार्थ के स्वरूप को, स्वरूप, और स्वरूप शब्द का अर्थ निकालो, स्व और रूप। स्व यानी मैं, स्व यानी स्वयं, स्व यानी स्वयं, स्वयं यानी मैं। मेरे स्वरूप को विचार कर, रूप यानी उसका जो भी है वो, स्वरूप स्वयं के गुण, स्वयं की बातें। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। संकट सहन कब होंगे? जब स्वरूप का विचार होगा, है ना? तो बात क्या कहा, वत्थु सहावो धम्मो। धर्म की क्या परिभाषा है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब धर्म और स्वभाव पर्यायवाची हो गए, स्वभाव और धर्म पर्यायवाची हो गए। स्वभाव, धर्म, गुण, स्वभाव, धर्म, गुण, ये तीनों पर्यायवाची हैं। चाहे गुण कह दो, चाहे पर्याय कह, चाहे धर्म कह दो, और चाहे स्वभाव कह दो, और चाहे भाव कह दो, ये पर्यायवाची हो गए। तो वस्तु सहावो धम्मो, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब स्वभाव को समझें कैसे? तो अग्नि का स्वभाव कैसा है? गर्म, उष्णता, ताप, ये क्या है? वह अग्नि का स्वभाव है। जल का क्या स्वभाव है? शीतलता। जल का क्या स्वभाव है? शीतलता। आप गर्मी से, अग्नि से उसकी उष्णता
अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गर्म है तो अग्नि है, ठंडी हो गई तो अग्नि है ही नहीं है, उसका स्वभाव खत्म हो गया। स्वभाव खत्म हो गया तो वस्तु रही नहीं हो। तो वस्तु का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव गर्म है, जल का स्वभाव शीतलता है। आप कहोगे नहीं नहीं पानी गर्म भी तो हो जाता है, लेकिन कब तक? जितनी देर अग्नि का संयोग है उतनी देर पानी गर्म है। अग्नि से नीचे उतारते ही वो अपने स्वभाव में आने लगता है ना, स्वभाव में आने लगता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? आपने अग्नि का स्वभाव देख लिया, आपने पानी का स्वभाव देख लिया, आत्मा का क्या स्वभाव है? आप आत्मा हो कि नहीं हो पहले तो ये देख लो, आप आत्मा हो कि नहीं हो, आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपके अंदर आत्मा है? किस किस के अंदर आत्मा है? अच्छे से हाथ उठाकर बताएं, मैं देख लूं। अच्छा, सबके अंदर आत्मा है। अंदर का मतलब बाहर कुछ है और उसके अंदर आत्मा है। अच्छा, शरीर के अंदर आत्मा है मतलब आपके अंदर आत्मा है। तो आप क्या हुए? आपके अंदर आत्मा है मतलब शरीर के अंदर आत्मा है, तो आप क्या हुए? आत्मा या शरीर? अब फिर देख लो आप। आपने कहा कि हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, शब्द को पकड़ना आप। आपके अंदर आत्मा है, अंदर आत्मा है तो ऊपर क्या है? शरीर। तो शरीर है तो आप क्या हुए? शरीर या आत्मा? कितने कंफ्यूज हैं। कम से कम जैन धर्म में जन्म लिया है, इतना तो जान लो कि मैं कौन हूं। यदि इतना जान लिया तो आपका जैन धर्म में जन्म लेना सार्थक हो गया। संसार में इतने जीव जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, उन्हें ये ही नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही तुमने जन्म लिया और चले गए तो तुमने धर्म का स्वरूप जाना ही नहीं और उसके पहले ही इस दुनिया से चले गए। कम से कम इस दुनिया से जाने से पहले संसार को कितना जाना मुझे नहीं पता आपने, लेकिन खुद को जान के जाना। जाना तो सबको है, ऐसा कोई नहीं कि जो जाएगा नहीं। सबको पर्याय बदलनी है, सबको शरीर बदलना है। कम से कम जब तक इस शरीर में हो तब तक अपनी आत्मा को जान लेना, क्योंकि इसी शरीर में शक्ति है कि आत्मा को जान करके, मान करके, श्रद्धान करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में से केवल एक मनुष्य शरीर ही है। तो आत्मा आपके अंदर है, अब बताइए मुझे आप क्या हुए? आत्मा। ये उत्तर बिल्कुल सही है। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है, शरीर पुद्गल है और मैं आत्मा हूं। ठीक है, अब दोनों को अलग कर दिया ना, शरीर को अलग कर दिया और आत्मा को अलग कर दिया। अच्छा, अब आप आत्मा हो तो आपका स्वभाव क्या है? आपको अपना स्वभाव नहीं पता? घर वालों का स्वभाव पता है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत लोभ करता है, ये तो लोभी स्वभाव ही है, ये तो मायाचारी करता है, ये बहुत अभिमानी, इसका बहुत अभिमानी वाला स्वभाव है। सबका स्वभाव पता है, आपको अपनी आत्मा का स्वभाव पता है कि नहीं? देखो, स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी छूटता नहीं है। अग्नि का स्वभाव बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। जो ठंडी पड़ गई वो अग्नि नहीं, और जो अग्नि है वो ठंडी नहीं। ताप का डिग्री, ताप की डिग्री कम और ज्यादा हो सकती है, ठंडी नहीं हो सकती।
और ठंडी हो गई तो फिर वो अग्नि नहीं है। तो आत्मा का क्या स्वभाव है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं मालूम कोई बात नहीं, उल्टा तो नहीं मालूम कम से कम। अज्ञानी को सिखाया जा सकता है, मगर जिसे ज्ञान है मगर उल्टा है उसे नहीं सिखाया जा सकता। आपको ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं है, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। क्या स्वभाव है? जानना और देखना। वो लाइन सुनी आपने, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये स्वभाव है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये इस लाइन में आत्मा का स्वभाव आ गया, मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र, तंत्र यानी शासन, स्व यानी मैं, मेरा शासन मुझ पे चलता है। स्वतंत्र हूँ, निश्चल हूँ, निष्काम हूँ और ज्ञाता दृष्टा हूँ। मूल स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। तो आप जानते और देखते हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, जानते और देखते हो ना? सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान जानते हैं और देखते कि नहीं? ना जानते हैं। क्यों? सिद्ध भगवान जानते हैं और देखते हैं कि नहीं? नहीं। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे अग्नि से उसकी गर्माहट नहीं निकाली जा सकती है, ऐसे ही आत्मा से ज्ञान दर्शन स्वभाव अलग नहीं किया जा सकता है। वो जानते भी हैं और देखते भी हैं, वो जानते भी हैं और देखते भी हैं, हम जानते भी हैं और हम भी देखते हैं। उनके जानने में और हमारे जानने में क्या अंतर है वो देखना है, है ना? एक होता है कैमरा और एक होता है शीशा, है ना? कैमरे में आपकी फोटो खींची और क्लिक कर दी, वो फोटो अंदर आ गई, ठीक है? शीशे में भी आपका चित्र आता है, जैसे कैमरे में आपका चित्र आया, ऐसे शीशे में भी आपका चित्र झलकता है, है ना? शीशे में आप आए तो चित्र आ गया, और आप चले गए तो चित्र भी चला गया। कैमरे में फोटो खींच गई, उसके अंदर आ गया, वो अलग नहीं जाएगा, उसके अंदर आप खींच गए हैं, है ना? तो जो सिद्ध भगवान जानते हैं और देखते हैं, वो शीशे की तरह जानते और देखते हैं। हम जो जानते और देखते हैं, वो कैमरे की तरह जानते और देखते हैं। उनके ज्ञान में सारा संसार, सारा विश्व, तीनों लोक झलक रहा है, और उनकी आत्मा दर्पण के जैसे बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ हो गई है। कैमरा तुम्हारी जैसी फोटो है वैसे खींच देता है, शीशा जैसे तुम हो वैसे झलका दे सकता है, है ना? तो जो चीज तुम देख रहे हो वो चीज सिद्ध भगवान को भी दिख रही है। तो तुम्हारे देखने में और सिद्ध भगवान के देखने में अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि वो जानते देखते हैं मगर राग और द्वेष नहीं करते हैं, हम जानते देखते हैं, हम राग और द्वेष करते हैं। राग और द्वेष कर्म बंध का कारण है। जानना देखना कर्म बंध का कारण नहीं है, करंट है। करंट को जानना है तो कैसे जानोगे? छूना पड़ेगा, और जैसे ही छुओगे वैसे ही, अरे बोलिए ना, झटका लगेगा। बस ऐसे झटके इस संसार को छूने से लगते हैं, और दूर से जानोगे देखोगे तो कोई झटका लगने वाला नहीं है।
कोई गाड़ी अंदर आई, कोई गाड़ी आपने देखी आपके अंदर चली गई, राग और देश ने क्लिक कर दिया, गाड़ी अंदर पहुंच गई, ये बढ़िया गाड़ी है, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। 24 घंटे जिस वस्तु को देखते हैं उसके प्रति कोई ना कोई भावना और विचार करते रहते हैं, और जितनी गहराई से भावना और विचार करते हैं उतना कर्म बंध होता है, और ये करवाने वाला है राग और द्वेष। तो वस्तु का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। तो धर्म क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है, धर्म आत्मा का स्वभाव है, और उस स्वभाव को भगवान ने प्राप्त कर लिया है, उस स्वभाव को भगवान ने प्राप्त कर लिया है। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कि जैसा स्वभाव आपने प्राप्त किया है वैसे मुझे मेरा स्वभाव प्राप्त हो जाए। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जो वह है मैं हूँ भगवान, और जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। जैसे भगवान की आत्मा है वैसे ही मेरी आत्मा है, उनकी आत्मा में और मेरी आत्मा में अंतर क्या है? मेरी आत्मा रागी द्वेषी है और उनकी आत्मा वीतरागी है, राग से रहित है, उनका राग बीत गया है। जैसे शरीर में तेल लगा हो और धूल उड़े तो क्या होगा? धूल चिपक जाएगी, है ना? और धूल कितनी भी उड़ जाए और तेल नहीं लगा है तो यूं झटकारोगे साफ हो जाएगी। तो ये राग और द्वेष का तेल लगा हुआ है, और राग और द्वेष के तेल से जितने विचार किए जाते हैं उतने कर्म बंध आत्मा में हो जाता है। तो देखना और जानना बंध का कारण नहीं है, उसके साथ राग और द्वेष होना बंध का कारण है। तो सुबह से लेके रात तक और सपने में भी क्या करते हो? राग और द्वेष करते हो। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? वत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। राग द्वेष छोड़कर जानें और देखें तो समझना हम अपने स्वभाव में हैं, हम अपने धर्म में हैं। तो जैन धर्म, क्या कहा मैंने? जैन धर्म। अब धर्म को और कितनी तरह से समझ सकते हैं? जब 10 लक्षण पर्व आते हैं तो उसे भी क्या कहते हैं? उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच शौच संयम तप त्याग अकिंचन सत्य अचौर्य, सत्य पहले छूट गया था, है ना? तप त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य, इसको भी क्या कहा है? अरे बोलिए ना, इसको भी क्या कहा है? धर्म कहा है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र भी निश्चय से धर्म है। तो ये धर्म क्या है? ये धर्म वो चीज है जो हमारी आत्मा के धर्म को उपलब्ध कराती है, इसलिए इन्हें धर्म कहते हैं। क्षमा धर्म है। क्षमा धर्म क्यों है? क्षमा से विपरीत क्या है? क्रोध नहीं करना, क्षमा है। सामने वाले ने गुस्सा किया और तुमने क्षमा कर दिया तो क्या हुआ? क्षमा धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हैं? और तुम गुस्सा कर ही नहीं रहे हो तो तुम्हारा क्षमा धर्म प्रतिक्षण चल रहा है। सामने वाले ने क्रोध किया और तुमने क्रोध नहीं किया तो क्या हुआ? क्षमा धर्म हुआ। सामने वाला करे और ना करे हम दूसरे पर डिपेंड नहीं है, हमारा धर्म है कि हमें सबको क्षमा करना है, और हम क्रोध कर ही नहीं रहे हैं तो क्षमा हो गई, उत्तम क्षमा हो गई। मार दो, आर जाओ, 10 लक्षण पर्व आते हैं,
एक एक पर्व के आप प्रवचन सुनते हैं, पर्व आते हैं और कहां से आते हैं, कहीं रहते हैं क्या? जैसे हम आए हैं अभी जयपुर से, ऐसे धर्म भी कहीं से आते हैं क्या? अभी तो आपने कहा कि दस लक्षण पर्व आते हैं, बोले हाँ जी आते हैं। हमने कहा चले जाते हैं, वहां बोले हाँ जी चले जाते हैं। ये आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ से हैं? अच्छा भादवों में आते हैं, भादवा कहीं रहता है क्या? अच्छा काल के हिसाब से भादवों में आते, अब ये समय के हिसाब से हो गया कि भादवों का महीना आता है तो उस महीने में पर्व आते हैं। ये रहते कहीं नहीं है, रहते हमारी आत्मा में है, ये बाहर से नहीं आते हैं, है हमारी आत्मा में, कर्मों से ढके हुए हैं, उसे उघाड़ना है, उसे निकालना है। क्रोध नहीं करना धर्म है, है ना? अभिमान नहीं करना धर्म है, मायाचारी नहीं करना धर्म है, लोभ नहीं करना धर्म है, सत्य का पालन करना धर्म है, संयम का पालन करना, इंद्रियों को वश में करना धर्म है, है ना? और त्याग करना धर्म है, त्याग में दान करना धर्म है, अकिंचन जो प्राप्त हुआ वो अकिंचन धर्म है, और ब्रह्म यानी आत्मा, अपनी आत्मा में रमण करना धर्म है। लेकिन धर्म क्या समझते? कोई मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता, भाई बहुत धर्म आत्मा है, बहुत पूजा करते, बहुत उपवास करते। आपकी दृष्टि में जो मंदिर जाता है वही धर्म करता है, जो मंदिर नहीं जाता वो धर्म नहीं करता है, है ना? बात ठीक है। श्रावक के शत आवश्यक का पालन करना धर्म है, इसमें कोई दो मत नहीं है, करना चाहिए और आपका कर्तव्य है कि करना ही चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अभी आप बिहार करवा के आए, बिहार करवा रहे ना मेरा, सुबह सुबह 4 बजे उठते हो, हैं इतनी ठंड में, फिर घर से निकलते हो 6 बजे हमारे पास आ जाते हो, फिर हमारे साथ 10 किलोमीटर पैदल चलते हो, ये धर्म है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपने सर्दी सहन की, तपस्या हो गई, आप इतनी देर से कुछ खा पी नहीं रहे हो, बिना खाए पिए बैठे हो, संयम का पालन हो रहा है, आपको क्रोध आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो क्षमा धर्म का पालन हो रहा है। आपको अभिमान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो आपका उत्तम मार्दव धर्म का पालन हो रहा है। सरलता है आपके अंदर तो आर्दव धर्म का पालन हो रहा है, है ना? और इतनी देर से कुछ खाया पिया नहीं है तो त्याग धर्म का पालन हो रहा है। संयम से बैठे हो, हाथ पांव इधर उधर नहीं पटक रहे हो तो आपके वो संयम का पालन हो रहा है, कायावश में हो रही है, मन में प्रसन्नता है, मन शांत है तो आपके धर्म का पालन हो रहा है। गुरुओं की सेवा कर रहे हो तो जो श्रावक अवस्था में देव पूजा गुरु उपासना है तो गुरु उपासना का पालन हो रहा है। प्रवचन सुन रहे हो तो स्वाध्याय कर रहे हो आप, मतलब एक बिहार करवाने मात्र से आपका कितना धर्म हो गया। केवल आपने भाव बनाए कि मुझे बिहार में जाना है, और एक बिहार में जाने से आपके कितने पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है और कितने सारे धर्मों का पालन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि केवल आप मंदिर में बैठ के पूजा कर, भाई हमारा तो नियम है, हम नहीं जा रहे बिहार करवाने, हमारा तो नियम है कि हम तो पूजा करेंगे। यदि पूजा करना धर्म है तो क्या बिहार करवाना धर्म नहीं है? बिहार करवाना उससे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो धर्म बिहार करवाने में है उससे आपको आगे और धर्म करने की प्रेरणा मिलती है। आप पूजा कर रहे हो तो केवल पूजा कर रहे हो, लेकिन बिहार करवाने से ना जाने बाहर कितने लोग आपको देख रहे हैं, अरे देखो महाराज का बिहार करवा रहे हैं, साधु संतों का बिहार, कितने लोग हैं, प्रभावना हो रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आप प्रभावना अंग का पालन कर रहे हैं, आप वात्सल अंग का पालन कर रहे हैं,
आप स्थितिकरण का पालन कर रहे हैं, आप उपगुहन का पालन कर रहे हैं, आप निशंकित का पालन कर रहे हैं। एक विहार करवाने मात्र में आपके जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है उनका पालन हो रहा है, जो 12 तप है उसका पालन हो रहा है, जो श्रावक का धर्म है उसका पालन हो रहा है, और आप ना जाने कितने धर्म का पालन कर रहे हैं केवल विहार करवाने में। और घर में बैठे होते तो अखबार हाथ में होता, चाय का कप हाथ में होता, इधर टीवी खुल गई होती, उधर बच्चे डांट रहे होते, उधर किसी से बहसबाजी चल रही होती, अरे यहां आए हो तो कितना मन शांत है, शांति है। इस शांति के लिए तो लोग कितनी मेहनत करते हैं दुनिया में, इस शांति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं फिर भी नहीं मिलती है। और विहार करवाने में देखो स्वयमेव शांति मिल रही है। तो धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, आत्मा का स्वभाव है शांत रहना। क्या स्वभाव है? शांत रहना। और आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, और आपको बिहार में शांति मिल रही है तो आपका उत्तम धर्म का पालन हो रहा है। एक काम से सारे काम हो रहे हैं बंधुओं। तो धर्म है, जैन धर्म है, कौन सा धर्म है? जैन धर्म को समझना है। तो जैन धर्म को कैसे जाने, है ना? तो वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो हम जितने काम करते हैं ये सारे काम अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उद्देश्य ये बनाकर चलो कि जैसे भगवान बने हैं वैसा मुझे बनना है। इस भावना से धर्म करोगे तो धर्म में मन भी लगेगा, रुचि भी बनेगी और काम भी होगा। और केवल नहीं, बस वो ने बुला लिया था इसलिए हम आ गए, अब उनकी बात तो टाल नहीं सकते हैं। उनने कहा था बिहार में चलना है, अब समाज में सबके साथ रहते हैं तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक होता अपनी भावना से जाना, एक किसी के कहने पर जाना, एक मजबूरी में जाना, जाना तीनों में पड़ रहा है। लेकिन कर्म की निर्जरा किसकी ज्यादा होगी? जो भक्ति से आएगा, मन से आएगा, भाई साहब मुझे छोड़ मत जाना, मुझे लेके जाना, भूल मत जाना, मेरी नींद लग जाए तो आप मुझे फोन कर देना, आप मुझे हाँ रुकने मत देना, आप मुझे जरूर लेके चलना। ये भी है। अब फोन आ गया है तो जाना ही पड़ेगा, फोन नहीं आता तो अब तो फिर सोच लेते हैं, है ना? तो बंधुओं, सुख और शांति का उपाय धर्म है, और आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन है। ये सारे धर्म उसी किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचना वही है, चाहे 10 लक्षण से जाओ, चाहे रत्नत्रय से जाओ, चाहे तपस्या से जाओ, चाहे श्रावक धर्म करते हुए जाओ, चाहे मुनि धर्म करते हुए जाओ, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है, है ना? समय हो गया है, बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और चलने में बिहार का, खेत में धान का, शादी में पान का, खेत में धान का, शादी में पान का, और बिहार के बाद थकान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कल फिर से जल्दी सुबह आने का, बच्चों में पलने का, बर्फ के गलने का, और बिहार में पैदल चलने का, खिड़की सर्दी में खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और बिहार में आने वाले आनंद का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और तीर्थों में सब में शिखर जी का। अब आप शब्द बोलो, मैं महत्व बोलूंगी, जिस भी शब्द पे आप कहोगे मैं महत्व सुनाऊंगी, बोलिए। दोसा का बोल दूं? अच्छा, करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में दोसा का।
न्यू लाइट कॉलोनी। अच्छा अपना पूछोगे पहले। रंगों में वाइट का, उड़ाने में काइट का, और आने वालों में न्यू लाइट का, आने वालों में सनलाइट के न्यू लाइट का, न्यू लाइट के सनलाइट का। रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का, और आने वालों में जनता कॉलोनी का। अकोड़िया। अच्छा रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में अकोड़िया का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में महावीर नगर का, मालवी नगर का। खेत में खाद का, देने में दाद का, और आने वालों में मौजमाबाद का। मोहनपुरा। अच्छा रहने में रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में मोहनपुरा का। पीलिया गांव में सर्पों में कालिया का, बजाने में तालियां का, और आने वालों में पीलिया का। खवराव जी। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, और आने वालों में खवाराव जी का। शरीर में कान का, मंदिर में भगवान का, आने वालों में खैरवान का, खैरवाल। अच्छा सिर पर बाल का, भोजन में दाल का, आने वालों में खैरवाल का। हो गए सारे? बोले चौबीसो भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।